कहीं ना कहीं आई थिंक फैंस आर इमोशनल एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी. यू नो व्हाट, मैंने तुम्हारी जर्नी देखी है. यू हैड अ लॉन्ग स्ट्रगल. जब टॉपिक्स लाइक नेपोटिज्म कम्स एंड यू नो गैंगिज्म की टॉपिक्स आज के जमाने में आ रही हैं. यू आर फ्रॉम अ फिल्म फैमिली बट यू हैड योर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स मेरे भाई, उसके बारे में बताओ. आई थिंक यू नो पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू थिंक कि इट्स बीन इजी क्योंकि वो सरनेम है या जो भी है. तो वो सब चीजें यानी सब पे अब तो आने लगी और ज्यादा आने लगी है क्योंकि पीपल एज आई टोल्ड यू आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट थिंग्स. प्लस देर आर यू नो इट्स अ 50-50 थिंग. सम पीपल आर सेइंग द राइट थिंग्स. थोड़े फैंस या थोड़े जो ऑडियंस है वो किसी के भी पीछे किसी भी रीजन से पड़ जा रही. सो बहुत जरूरी है ये जानना कि सी पीपल्स बैक स्टोरी. जानो लोगों को लगता है कि यानी आ गए एक फिल्म कर दी और 5 इयर्स में अमल या अरमान बन गए, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल. वहां तक आने के लिए भी, वहां तक पहुंचने के लिए भी पीछे 15 साल की स्ट्रगल है. 15 इयर्स की एज पे अमर मोहिले या राजू सिंह, वेरी प्रोलिफिक कंपोजर फॉर टेलीविजन ऑल्सो, इन लोग सबके ऑफिस जाके मैंने काम मांगा है एंड दे हैव हायर्ड मी. देयर हैव बीन अदर म्यूजिक कंपोजर्स एंड प्रोड्यूसर्स हु हैव नॉट हायर्ड, ये बोल के कि वे नॉट कम्फर्टेबल बिकॉज आई एम फ्रॉम अ म्यूजिक फैमिली. तो जहां मेरे को यानी फायदा होना चाहिए था नाम का, वहां नहीं हुआ, इंस्टेंट नुकसान हुआ है उस बात पर. सो आई फील व्हेन दैट स्ट्रगल स्टार्टेड, तब से लेके अब तक मैंने काफी लोगों से काफी कुछ सीखा है. एंड आई हैव नॉट जस्ट बीन कि मेरे फैमिली की वजह से मुझे, यानी बिकॉज ऑफ अनु मलिक और डैड आई हैव गॉट 5 फिल्म्स, ऐसा कभी हुआ नहीं है. अरमान भी 10 साल का था, ही वेंट टू सारेगामापा, डिड ऑडिशंस ऑन यू नो फॉर कंपोजर्स लाइक सलीम सुलेमान या विशाल शेखर, एंड दे डिडंट नो ही इज डब्बू मलिक सन. दे कॉल्ड हिम फॉर एन ऑडिशन, ही सैंग एंड हिज वॉइस वेंट विद अमिताभ बच्चन इन भूतनाथ. सो दैट इज हिज हार्ड वर्क. तो आई थिंक जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहां देना चाहिए. यू कैन नॉट से कि यानी ऐसी मिल गया उसे या ऐसी मिल गया मुझे. हम लोग ने उतनी ही मेहनत की जितना एक न्यू कमर करता है. हाँ एक चीज आई वुड से कि बिकॉज आई एम गोइंग टू बी फेयर अबाउट दिस, कि इंडस्ट्री से होने से एक ये फायदा होता है दैट यू नो हाउ पीपल वर्क, हाउ दे ऑपरेट, हाउ दे हैव कैंप्स. नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं, एवरी वन नोज, बट होगा ना एक पॉजिटिव तरीके से. इफ आई सी इट एज लॉयल्टी टू टैलेंटेड पीपल, अमेजिंग. बट इफ इट्स टू रैंडम पीपल एंड यू आर सीइंग कंटिन्यूअसली दैट bad music or bad acting or bad anything is being promoted more than it should, then you should raise your voice against it. That is the right of every Indian. That's fine. Every citizen. But jahan aapko dikh raha hai, yani then to you can say that like how Hrithik Roshan is there and Rakesh Roshan are there. How do you say? One amazing director, the father. One, what a performer, what a dancer, what an actor, Hrithik Roshan, the son. Now I see trolls saying nepotism on them. Come on, man. Like, see the man, what all he's achieved and on his own. ये नहीं है कि कल उनके डैड ने पिक्चर बनाया और ये he was not capable. He was capable, he was hardworking, तो पहुंचते हैं. तो ये एक चीज आई डोंट थिंक पीपल शुड फॉरगेट. ऑब्वियसली यानी अब सबको लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत फोन कॉल हो गया होगा और हो गया. यानी मेरे को कितने ऐसे मैसेजेस भी आ चुके हैं दैट, और ये तो कल से भी चल रहा है, I'm seeing that, you know, कि सलमान सर लॉन्च्ड यू. Yes, he launched me, but the struggle to reach a Salman Khan also is the same. I've gone to Mehboob Studios. Arman has gone. We've waited outside an actor's van for 7-8 hours. Ki ek CD hamari sun lo. Aur ye bhi intention se nahi ki hume film de do ya kuch bhi. We just had made a non-film independent music album with Universal, and we wanted him to hear it. Aisa to nahi tha hum pahunche, hamare liye tent laga, hum baith gaye aur humse sab milne lag gaye. Aisa nahi hota hai. It doesn't happen. Everyone has that journey. Even outside T-Series, after I did such a big film called Jai Ho, and I didn't get any, success out of it because maybe mera music achha nahi tha, I had to accept that. I used to go to T-Series office, the security wouldn't allow me. I used to give my CD and go. So, maine bhi wo same din dekhe jo ek naya composer dekhega. And this industry is a wave. Today, if I have 2 successful songs, they will be loving me, they'll be working with me. Tomorrow, I have 2-3 bad songs and they don't do well, they'll not work. So, I have to learn to deal with this, and that's all I can say about it. I'm always going to be making my music. वो दिल से ही बनेगा. अभी वो चलेगा. अगर सब लोग ये कहते हैं मेरा काम बोलेगा तो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा. You know, Amal, आज के जमाने में mental depression की बातें open में आ चुकी हैं, which is good in a way. You know, especially with the Sushant Singh Rajput demise. क्या कारण है
that the powers to be will decide and judge. Have you ever gone through mental depression kabhi bhi during your journey as a music composer when the times were tough? Aisa kabhi hua hai tumhare saath? I think initially before I got, you know, maybe when before Naina or Suraj Dubai came into my life, before I could get the tag of a good musician, tabhi mujhe yani ek aisa low phase aaya tha. I don't know if I can actually say depression, because depression is a very grave and very, it's tougher. I've had friends who've been through it, and it's taken a lot of time for them to get out of it. So I've seen it very closely, and मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत जब मिली और यू नो काफी चीजें लिखी गई कि आई एम नॉट अ केपेबल म्यूजिशियन या आई एम नॉट लाइक एज टैलेंटेड एज माय फैमिली, सो वो सब चीजें कहीं ना कहीं एक 23 ईयर ओल्ड के माइंड पे बहुत प्ले करती थी. दिस इज अबाउट 6-7 इयर्स अगो, एंड वहां मैं थोड़ा यानी आई वाज लाइक एज गुड एज कि छोड़ो यार म्यूजिक, क्या करना म्यूजिक, कुछ फायदा नहीं है, जो करूंगा इन लोग यही बोलते रहेंगे. सो यू हैव टू फाइट इट, और थोड़ा मुश्किल भी है. आई थिंक द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, अ सेट ऑफ गुड 4-5 फ्रेंड्स हु नो यू, लाइक आई हैव दोज 5-6 वेरी वंडरफुल फ्रेंड्स हु हैव स्टेड विद मी फॉर 20 इयर्स, एंड दे हैव नेवर चेंज्ड देयर बिहेवियर आल्सो, इवन इन स्पाइट ऑफ माय सक्सेस और व्हाटएवर, दे विल स्टिल ट्रीट मी एज आई एम देयर ओल्ड बॉडी. सो आई थिंक ऐसे लोग होने बहुत जरूरी है, मेक यू रियलाइज दैट इट ऑल कीप्स चेंजिंग एवरी डे, इट्स पार्ट ऑफ life, it's the circle of life. I especially would like to say कि कोई अगर फिल्म नहीं चलती है एक न्यू कमर की, या कोई एक म्यूजिशियन डेब्यू करके अच्छा नहीं कर पाता है, या किसी का भी, डोंट कंपेयर देम टू ग्रेट्स और डोंट डीमोरलाइज देम सो सून दैट दे मे बी लीव देयर प्रोफेशन विच आई ऑलमोस्ट डिड. अगर मुझे सूरज दुबई नहीं बना पाता मैं और वो नहीं चलता, आई हैड ऑलरेडी सेड दैट टू माय सेल्फ एंड इवन टू भूषण जी वन नाइट बिफोर द रिलीज, कि अगर ये नहीं चला तो मैं जा रहा हूँ न्यूजीलैंड, मेरे से नहीं हो रहा म्यूजिक. So I think people in the media and generally around, they should be supportive of new people. Galtiyan hoti hai, we're all human beings. I'm not a robot. No actor, no director, no producer knows ki haan main ye banaunga to super hit hoga. So everyone's trying their best. So just give them that ki chalo nahi chala, maybe he'll do better. So that, don't steal that confidence from newcomers. You know what? Kya kahi tumko laga yaar ye video mein Himanshi ke opposite मुझे होना चाहिए थे अमाल मलिक एंड नॉट असिम, पहले बताओ. इतना तो मैं कर ही नहीं सकता. मैं एक्चुअली वीडियो देख के बहुत खुश हुआ था. आई थिंक यू नो मैं कभी कभी बहुत रेयरली अपने वीडियोस देख के खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अरे मैंने गाना क्या सोच के बनाया और वीडियो में क्या हो रहा है, यू नो. तो इस वीडियो में मुझे लगता है अरविंदर खेरा हैज कास्ट देम सो राइट, एंड द वे ही इज यू नो मेड देम एक्ट, इट डजंट इवन लुक, इट लुक्स लाइक कि इन लोग गाना जी रहे हैं. मुझे नहीं लगता मैं ऐसी एक्टिंग कर पाता, मुझ में नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, स्टूडियो बॉय, परफेक्ट चिलिंग कंपोजिंग, मेरे को बहुत दूर है ये सब करना. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर मी टू यू नो डू सच फिल्मी एंड यू नो दोस काइंड ऑफ सिनेमैटिक परफॉर्मेंसेस. आई कैन प्ले माई सेल्फ, यू नो कि मैं अगर वीडियो करूँ आई कैन बी हु आई एम, बट जो आसिम ने किया आई थिंक इज डन अ वंडरफुल जॉब. आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव किल्ड इट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द केमिस्ट्री ब्रदर? Beautiful. I think the lyrics, the lip sync, the way he's, you know, handled even that. And it doesn't look, both, yani love songs are very tricky. Ki agar singer ne, ya lyricist ne, ya composer ne, kahi bhi there's 19-20 ka difference na 19-20 ho gaya emotion mein, to wo nahi pahunchta. Public rejects a song that doesn't touch their heart. And wo video mein agar kahi bhi reflect ho jata ki they don't mean it, ya they are not into this moment, तो वो भी दिख जाता. वो आई थिंक नहीं हुआ है. दे हैव इफ द सॉन्ग वाज हियर तो उस केमिस्ट्री ने और इस परफॉर्मेंस ने उसको इधर तक लेके आया, व्हिच इज ब्यूटीफुल. मैंने सुना कि अगली बार अगले वीडियो में जैसे असिम ने अपना टी शर्ट उतारा है, तुम भी उतारने वाले हो, मैंने सुना हुआ है. मैं 4 साल बाद अगर बॉडी बनी तो उतारूंगा, अभी नहीं होगा. ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, आइसक्रीम्स, मैकडॉनल्ड्स सब चल रहे हैं. यू नो व्हाट अमाल, आपका बॉन्ड अरिजीत सिंह के साथ कैसा है? Are you like brothers? Is it professional? Is it dono dost ho kaise? It is completely unprofessional because kyunki hum log yani we are like long lost brothers. Bahut kam time baat hoti hai, but jab hoti hai to yani 1-2 ghante ho jati hai aur fir 6 mahine gayab, aur uski taraf se to aur gayab, you know, usko dhoondna, like he is, what do I say, you can't find him, only he is under the grid. To find Arijit Singh, सबसे मुश्किल चीज है. एंड उसको गाने भेजता हूँ तो he checks
एंड 6 महीने बाद रिप्लाई आता, अरे लेट्स डू दिस वाला, अरे पर बोला ही नहीं अब तक, अब मैंने किसी को सुना ही नहीं, छोड़ दिया गाना. सो ऐसे बहुत बार होता है. आई सेंड हिम सॉन्ग्स, he comes back to me sometimes after 3 weeks, sometimes after 3 months, I hope not 3 years, but I feel, you know, I connect to even how he holds his life or wo kaise jeete. It's, he's in his own space, usse apni privacy zaruri hai, and bahut log unke piche, you know, bhagte hain, and I don't think one man can handle so much so easily, so we have to give him also a break to just, you know, be himself. You cannot force someone to be available. Social media pe bhi he is very rarely seen. So I think that is his persona and we should respect that. But I love him. I think mere dono career changing songs reh chuke, even for him when you know, he was reluctant. Unko nahi laga ki he should sing Suraj Dubai, but I fought with him. I said, bro, kuch bhi ho jaye, ye gana ga dena. I believe that you can sing this song. Because he was saying, this is not my genre. It's a dance track. So I would like to thank him for, you know, believing in me. Bahut baar hota hai ki if a singer just doesn't connect, there are chances that wo shayad deliver hi nahi karte, ya they can't do it. But he stood, he waited in the studio and he said, okay, you make me dub, I'll try. That I'll try made the song so big. And, you know, he won a Filmfare on it. And Rukye Na Rukye Naina also. So I think both the times, he's me, him and Kumar, Kumar Pachi also especially. Without him, I think ye gaane bhi kahin nahi hote. So we are a blessed team. But you know what? You were also very vocal, mere bhai, jab tumne kaha ki Arijit Singh ka gana drop nahi kiya jana chahiye tha in Sadak 2. Do you feel like that? I think, you know, see, when you make such an established and very talented, and today's generation is almost everyone's idol is Arijit Singh. Arman ke bhi hai, mere bhi hai. Kitne young, you know, upcoming artists ke idol is Arijit Singh. So if you record with him, maybe just for fans, you know, everyone's just waiting to hear some good music. It's okay, you know, ek album mein agar do version hai, so why not a third version of Arijit? Why deprive the fans of that, you know, little moment? Un logo khush karne ke liye dal do. Don't release it maybe after the film. So I think these things, because announcements were made, you know, to kahin na kahin expectation badh jati har ek fandom ki. So wo ek cheez hai, ek bar you said that they've recorded the song and, you know, they are excited. And even when Dil Ko Maine Di Qasam's announcement came, so people were excited. If that wouldn't have released, and they would have felt a little cheated, right? So isle, ya to you be careful and don't announce and don't put pictures ki, you know, we are doing a song with him or someone. Kyunki kahin na kahin, I think fans are emotional and they're always going to be. People want his version out. So I just think ki it's fair ki you just give it as like a version, as a gift to his listeners, to the whole country. Superb. Thank you so much, Amal. I have to tell you, you know that I'm very, very proud of you. I have beautiful memories of me and you in the studio. And I hope there's days come back so that main tumko ek geeli pappi do aur ek jhappi do. Love you. Thank you. Love you, bhai. Ye lo ek victory wave karo aise. Come on, come on, come on. Yeah. Sar pe aise, thoda upar aise aise. Aha. Yeah. Victory wave for Amal Malik. Love you, bro.